राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं कि इस स्प्रे का उपयोग यदि आप अपनी फसल के अंदर करते हैं तो आपकी फसल के अंदर से चाहे तो थ्रिप्स का अटैक बहुत तेजी के साथ हो रहा हो, चाहे लीफ माइनर का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा हो, चाहे एफिड हो और चाहे जैसिड हो, या फिर किसान भाइयों जो हमारे फुट मौत होता है वो भी हमारी फसल के अंदर लगा हुआ है, तो हमारी फसलों को ये स्प्रे किस तरीके से बचा पाएगा, कंप्लीट जानकारी यहां पर मैं आपको दूंगा। और 100% आपको 100% आपको नंबर एक के रिजल्ट किसान भाई यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्प्रे को आपने कर दिया और आपकी फसलों पे से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, लीफ माइनर, फुट मौत, इनका अटैक खत्म नहीं होगा। 100% सबका जो अटैक है वो किसान भाइयों खत्म हो जाएगा। नंबर एक का कीटनाशक है और इस कीटनाशक को मैं अब तक कम से कम 4 से 5 बार जो है उपयोग में ला चुका हूं। नंबर एक के रिजल्ट मिले हैं, इसीलिए किसान भाइयों 100% जिम्मेदारी मैं इसकी ले भी सकता हूं। तो आप इसका एक बार उपयोग करके देख सकते हैं। यदि किसी भी किसान भाई ने इस कीटनाशक का उपयोग अपनी फसलों के अंदर किया है तो वे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उसके उन्हें कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो जी हां किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं आपको स्प्रिंटोरम 11.7% ईसी फार्मुलेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जो किसान भाइयों आपको डेलीगेट कीटनाशक के अंदर देखने को मिल जाता है। स्प्रिंटोरम 11.7% ईसी फार्मुलेशन जो हमारा ये है, ये इतना हैवी, इतना तीव्र कीटनाशक किसान भाइयों है कि इसका यदि हम एक बार अपनी फसल के अंदर उपयोग करते हैं तो इसके साथ में हमें किसी दूसरे कीटनाशक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक लंबे समय तक ये हमारी फसलों को जो है कीटों से बचा करके चलता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कीटों से ये हमें बचा सकता है। तो थ्रिप्स से अच्छी तरीके से बचा लेगा, लीफ माइनर से बचाएगा, फुट मौत से बचाएगा, एफिड हो या फिर जैसिड हो, इन सबसे ये हमारी फसलों को बचा करके चलता है। बात करता हूं किस तरीके से ये कार्य करता है, कौन कौन से एक्शन इसके अंदर दिए गए। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टमक एक्शन देखने को मिल जाता है, दूसरा ट्रांसलेमिनार एक्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब ट्रांसलेमिनार एक्शन क्या है, मान लीजिए आप पत्ते के एक तरफ स्प्रे करते हैं तो ज्यादातर जो कीट हमारे होते हैं ये कीट पत्ते के निचली तरफ, पत्ते के निचले हिस्से पर जो है ज्यादातर कीट अटैक करते हैं, ऊपर की तरफ कीट बहुत कम ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर से किसान भाइयों धूप की किरणें आती रहती हैं, तो यदि ये कीट ऊपर रहेंगे तो इनकी मृत्यु वैसे भी हो जाएगी। तो ज्यादातर कीट जो होते हैं ये पत्तों के नीचे की तरफ ही छुपे हुए रहते हैं। तो ट्रांसलेमिनार एक्शन इसके अंदर होने की वजह से जैसे ही आपने पत्ते के ऊपर स्प्रे किया तो ये पत्ते के नीचे पहुंच करके उन कीटों की मृत्यु कर देता है। दूसरा इसके अंदर जो स्टमक एक्शन दिया गया है, जैसे ही जो ये रस चूसक कीट होते हैं ये पत्ते को खाना चालू करते हैं या फिर किसी भी कारणवश ये जैसे ही इनका जो हमारा स्प्रे है इसका असर इनकी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो इनका जो स्टमक एक्शन है ये बहुत तेजी के साथ किसान भाइयों कार्य करता है और इन कीटों की मृत्यु बहुत तेजी के साथ कर देता है। तीसरा नर्वस सिस्टम जो होता है, इनके नर्वस सिस्टम को ये बिल्कुल ब्लॉक कर देता है जिसके कारण ये ना खाने पीने योग्य रहते हैं ना ही चलने फिरने योग्य रहते हैं और इनकी मृत्यु जो है किसान भाइयों हो जाती है। ये किसान भाइयों इतनी तेजी से कार्य करता है कि आपको बहुत कम समय में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि कौन कौन सी फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई जितनी मैंने आपको कीटों के नाम बताए, ये कीट आपकी किसी भी फसल में लगे हुए हों उस फसल पर आप इसका उपयोग करेंगे, अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल एक ही फसल के लिए ये बनाया गया है, जिन फसलों पर आपको इन कीटों का अटैक दिखाई दे उन फसलों पर आप उपयोग कीजिए, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करता हूं इसकी डोज की कि आखिरकार हमें प्रति एकड़ कितनी डोज लेनी है और कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक एकड़ खेत की डोज की बात करूं तो 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है और लगभग 350 से लेके 360 लीटर पानी के अंदर इसे मिला करके आप इसका स्प्रे करेंगे, नंबर एक के शानदार रिजल्ट ही आपको निकाल करके देगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी 1 ml की मात्रा लगभग 2 लीटर पानी के लिए पर्याप्त रहती है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसके साथ क्या हम किसी अन्य कीटनाशकों या फंगिसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो किसान भाई ये इतना हैवी और तीव्र कीटनाशक है कि आपको किसी भी अन्य कीटनाशक को इसके साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी फंगिसाइड को भी आप इसके साथ ना मिलाएं, क्योंकि किसान भाई बहुत तीव्र है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो यदि आप कुछ और इसके साथ मिलाएंगे तो इसके रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। तो इसके साथ आप कुछ भी ना मिलाएं, सिर्फ
सिर्फ अकेले स्पिनटोरम 11.7% ईसी का उपयोग करके अपनी फसलों को सभी रोगों से सभी कीटों से बचा करके चल सकते हैं। बात कर लेता हूं इसकी कीमत की कि इसकी आखिरकार कीमत कितनी रखी गई है। तो इसका जो 180 ml का पैक है ये इस समय पर लगभग 1700 से लगा करके 1800 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। थोड़ा महंगा है, लेकिन महंगे होने के साथ साथ इसके जो रिजल्ट हैं वो नंबर एक के आपको देखने को मिलेंगे। तो नंबर एक के रिजल्ट हैं तो कीमत तो थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी ही। बात कर लेता हूँ रेनफास्ट एक्टिविटी की। यदि अभी आपने स्प्रे किया और स्प्रे करने के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद बरसात होती है या 2 घंटे के बाद भी बरसात होती है, तब भी आपको इसके 90% रिजल्ट के सामने देखने को मिल जाएंगे। रिजल्ट टाइम की बात करूं कि कितने दिन तक ये हमारी फसलों को इन रोगों से इन कीटों से बचा करके चलेगा, तो लगभग 18 से 20 दिन तक आपकी फसलों को इन कीटों से ये बचा करके चलता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को शेयर ना करें।